मीनाक्षी लेखी जी जो हमारे नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद हैं और इसके साथ ही साथ बहुत सारे विषयों पर गहराई से अपनी बात संसद में और संसद के बाहर भी एक प्रखर प्रवक्ता के रूप में जानी जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और बहुत संक्षेप में उन्होंने मूल बात कह दी है और हमारे इस इलाके की लोकप्रिय पार्षद डॉक्टर नंदिनी शर्मा जी जो जोन की चेयरपर्सन भी हैं, साउथ जोन की चेयरपर्सन यहाँ के डीसी अमन कुमार जी, सभी आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट और पदाधिकारी, यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, मीडिया के बंधुओं और एमसीडी से हेल्थ उद्यान विभाग और सभी डिपार्टमेंट के उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारी, आज वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है। बहुत अच्छे समय ये कंजर्वेशन डे हमें आया है। हम लोग इससे समझ सकते हैं कि कोरोना जैसी महामारी में जहां एक ओर मानवता और इंसानियत के बचाने के लिए हम लोगों ने बहुत अच्छे काम किए, चाहे आरडब्ल्यू के लोग हों, एनजीओ के लोग हों, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, सांसद ने, विधायक ने, पार्षद ने, सबने अपनी क्षमता के हिसाब से लोगों की सेवा, जरूरतमंदों की मदद करने का काम किया है और इंसानियत को बचाने का, मानवता को बचाने का एक बहुत बड़ा काम इस कोरोना संकट के दौरान किया है। और इसके साथ ही साथ ये बात भी हमें समझ में आती है कि इस कोरोना संकट में जब हम 2 महीने तक लगातार लॉकडाउन रहा तो कई बार पेपर में आता था, न्यूज में आता था कि जालंधर से हिमालय दिख रहा है, गंगा जी साफ हो गई है पहले से ज्यादा, यमुना जी साफ हो गई है पहले से ज्यादा, और जो हम लोग, जो हमारा एटमॉस्फेयर था, जो हम सुबह शहर पे कहीं आसपास ही घर के बाहर ही निकलते थे तो इतनी शांति और इतना अच्छा लगता था, जिससे ये आभास होता है कि इस कोरोना महामारी ने एक सबक भी हमें दिया है कि कहीं ना कहीं हम प्रकृति का जो दोहन करते हैं, शोषण करते हैं और जो प्रदूषण होता है उसके अगर कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो हम ही लोग हैं। और हम लोग अगर आज से हम पहले चले जाएं पुराने जमाने में तो लोग प्रकृति के संरक्षण के लिए बड़ा चिंतित रहते थे, हमारे एक दिन दिन की जो दिनचर्या होती थी वो प्रकृति को बचाने के लिए होती थी। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे हम साबुन का कम से कम इस्तेमाल करें, हम लोग दूसरे तरह से मिट्टी से नहाते थे, जो मुल्तानी मिट्टी जिसको कहते हैं। तो ये सब प्रकृति संरक्षण के तमाम उपाय जो हमारे दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में होते हैं, हमें लगता है कि आज फिर अगर प्रकृति को बचाना है, धरती को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है तो हमें इन उपायों पर, जो कोरोना संकट के दौरान हमें ध्यान में भी आए हैं कि हम घर का ही खाना खाते हैं, बना बनाए घर में, इस दौरान सब लोगों ने हर पकवान बनाया होगा, लोगों ने जो कभी सोचा भी नहीं होगा जलेबी भी बना ली, समोसे भी बना लिए, तो हम अच्छा शुद्ध खाना और कम से कम जो संयमित जीवन जीने का, प्रकृति के आधार पर जीवन जीने का हमें जो तरीका आया है, पुनः हमें याद आई है, उसको हमें बरकरार रखने की जरूरत है। लगातार हम ये काम करेंगे तो आज का जो प्रकृति संरक्षण दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाया जा रहा है, इसको हम अच्छी तरह से इसको सफल कर सकते हैं। और प्रकृति अल्टीमेटली इंसान की सबसे बड़ी अगर कोई मित्र है, दोस्त है, तो वो नेचर है। नेचर की संरक्षण में ही हमारा संरक्षण है, नेचर के संरक्षण में ही हमारा जीवन सुरक्षित है और स्वस्थ है, हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आज के इस अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण दिवस पर मैं आप सभी को, जिन्होंने इस संरक्षण के काम में अपनी योगदान दिया है, उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और डॉक्टर नंदिनी शर्मा जी की टीम को और एमसीडी की पूरी टीम को, सभी आरडब्ल्यूएस को और यहां आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए, इनको विशेष रूप से जो इन्होंने साउथ जोन में 10,000 वृक्ष लगाने का जो संकल्प लिया है, इस पार्क में 700 पेड़ लगाए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत